आज 15 सितंबर 2019 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 12:24 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है देर रात 1:44 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज द्वितीय का श्राद्ध है, अशून्य शयन व्रत है और गंडमूल है देर रात 1:44 से। मेष राशि वालों की मन की परेशानियों की वजह से कामकाज की स्थिति पर बुरा असर आ सकता है, क्योंकि आप लगातार बदलाव के बारे में सोच रहे हैं और काम में मन नहीं लग रहा, इसलिए बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में जिन्हें थाम लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में स्थिरता बनाए रखने से ही बहुत कुछ संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, लेकिन उस मेहनत को करने में आपकी एकाग्रता में कमी, इसी वजह से आप कई तरह के दूर स्थान के विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मन का भटकाव बहुत है जिसे संभाले रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरह के तकरार से भी बचा जा सके। वृषभ राशि वालों के मन में पैसे से जुड़ी बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने काम को इतना सुदृढ़ करना पड़ेगा कि आपको हर तरह का लाभ मिल सके, पर ऐसा करने के लिए भाग्य के बजाय अपनी मेहनत से वो सारे काम करने होंगे जो आपके ज्ञान को और आपकी क्षमताओं को बढ़ाएं। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में मेहनत करने का समय है। आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, पर उन कोशिशों को थोड़ा सा और ज़्यादा धार दे लेने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा है जो आपके असंतोष को बढ़ाए और आपके उतार चढ़ाव को भी बढ़ाए, इसलिए मन को शांत करना होगा ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि मन की परेशानियों के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ सही और कुछ मनगढ़ंत। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपके लिए बिगड़ा हुआ है, और यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? थोड़ा सा आशावादी रवैया अपना लें और इस बात को समझें कि ये समय आपसे बहुत कुछ करवा सकता है। आपके दोस्त और आपके भाई बहन हर तरह से आपके साथ हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने का समय है, ताकि रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखा जा सके। किसी प्यार के रिश्ते में भी अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बहुत सारी मधुरता अपनानी होगी, अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जिसमें अच्छाई भी हो और व्यवहारिकता भी हो, और आपकी अच्छी कही हुई बात लोगों के मन को भाएगी ज़रूर। कन्या राशि वालों के निजी जीवन के हालात ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा भरोसा बनाए रखना होगा। ज़िंदगी में बहुत सारी इच्छाएं धीरे धीरे ही पूरी होती हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ऐसे में अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपका भरोसा भरपूर, कामकाज की स्थिति भी बेहतर हो रही है। इस चीज़ से खुशी मिलती है और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अपने भरोसे को बनाए रखें और बहुत सारी चीज़ों में एक साथ हाथ डालने से बचें। तुला राशि वालों को कामकाज में मन लगाना होगा, तभी जाकर आपकी क्षमताएं निखरेंगी। अपने ज्ञान को और अपनी अच्छाई को पूरी तरह से इस्तेमाल न करना भी बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके चलते कोई भी अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपना समर्पण बनाना भी होगा और दर्शाना भी होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? सिर्फ बदलाव ही हर समस्या का हल हो ऐसा सोचने से बचना होगा, क्योंकि आप अपनी ही धुन में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जिसे फिलहाल रोक लेने की ज़रूरत है, इसलिए भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को अपने प्रियजनों का साथ मिला हुआ है, तकदीर की भूमिका भी आपके लिए सुखद बनी हुई है। ऐसे में आपके साथ ऐसा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है जो आपको उपलब्धियों की ओर ले जाए। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अचानक धन लाभ का समय बना हुआ है, अपने प्रियजनों के साथ साथ और लोगों का भी सहयोग आपको मिल सकता है, क्योंकि लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं और इसी अच्छाई को आपको अपनी ओर से भी बनाए रखने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, जिसमें आपकी अपनी मेहनत जो है उसे जोड़ा जा सकता है, और ऐसा करते हुए खुद पर भी भरोसा करना होगा, लोगों पर भी भरोसा करना होगा। दूर स्थान के विकल्प भी आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की स्थिति आपकी तवज्जो मांगती है, हालात भी हर तरह से मददगार। किसी भी अच्छे समय में धैर्य बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस अच्छे समय का पूरा फायदा भी उठाया जा सके। मकर राशि वालों के लिए नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं, पर जिन्हें अपनी मेहनत से संभाला भी जा सकता है। इस बात को समझ लें कि ये चुनौती भरा समय है जिसमें लोगों की आलोचना भी आपको सहनी पड़ सकती है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि लाभ की इच्छा करने में और लाभ कमाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये समय भी कुछ ऐसा है जो आपके पैसे की ज़रूरतों को भी बढ़ा रहा है और आपके खर्चों को भी बढ़ा रहा है, इसलिए पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? निजी जीवन की रोज़मर्रा की चुनौतियों को समझें और उन्हें भलीभांति संभाल लें। एक एक करके अपनी प्राथमिकताओं की ओर नज़र दौड़ाएं,
क्योंकि रुकावटों को समझने से ही उन्हें दूर करने का रास्ता भी मिलेगा। ऐसे में आपकी ओर से किया गया विचार विमर्श आपको हर तरह से मदद भी करेगा। मीन राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में कुछ सीखने का और कुछ समझने का मौका मिल रहा है। आपसे वरिष्ठ लोग भी आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा समय है जिसके चलते कामकाज की स्थिति में सुधार हो सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों की अच्छाई को समझें और लोगों से तालमेल बनाए रखें। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है, इसलिए निजी जीवन में अपनों पर भरोसा भी करना सीख लें। हालात आपके लिए सुखद बने रहेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे।